दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 7 मार्च नूं खोले जा रहे वड्डे डायलिसिस सेंटर नूं लैके केंद्री गुरु सिंह सभा दे प्रधान अते दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर तरविंदर सिंह मरवाहा ने पुछिया है कि 550 बिस्तरियां दे हस्पताल दी थां ते एक डायलिसिस सेंटर खोल देण दे लई दिल्ली कमेटी दे जनरल हाउस तों प्रवानगी नहीं लई गई है। सेंटर लई NGO नाल कीते गए समझौते दे कागजात जनतक करन तों कमेटी क्यों भज रही है। दिल्ली विखे अज श्रोमणी अकाली दल दिल्ली दे सकत्तर जनरल हरविंदर सिंह सरना दी हाजरी विच पत्रकारां दी मिलनी दौरान सरदार मरवाहा ने पुछया कि की इही दिल्ली कमेटी दी प्राप्ति है कि 8 साल पहला उन्हां दिल्ली दे सिखां नाल बाला साहब दी थां ते 550 बिस्तरियां दा हस्पताल बनाउण दा वादा कीता सी, पर अज एक छोटे जिहे डायलिसिस सेंटर तक ही सीमित हो के रह गया है। कि सरदार सुखबीर सिंह बादल अते मनजिंदर सिंह सिरसा जवाब देणगे कि बाला साहब हॉस्पिटल नूं लैके कीती गई सौड़ी सियासत अते गुमराहकुन प्रचार पिछों अज हस्पताल नूं लैके बादलां दी की प्राप्ति है। उन्हां दोष लाया कि सेहत मंत्रालय ते होर संबंधित एजेंसियां कोलों डायलिसिस सेंटर दी प्रवानगी ही नहीं लई गई। दिल्ली कमेटी मैंबर गुरमीत सिंह छंटी ने कहा कि डायलिसिस सेंटर सिर्फ गुरद्वारा चोणां लई बादलां दा एक स्टंट है कि 46 गुरद्वारा हलकियां विच जे किसी भी सिख नूं डायलिसिस करवाउण दी लोड़ होवेगी तां दूर दराडे तों हजारां रुपए दा किराया ला के बाला साहब विखे 600 रुपए दा डायलिसिस करवाउण आवेगा। घट रेट विच रजौरी गार्डन ते होर थावां ते ओह डायलिसिस नहीं करवा लैणगे। इस मौके श्रोमणी अकाली दल दिल्ली यूथ प्रधान रमनदीप सिंह सोनू, दिल्ली कमेटी मैंबर मनमोहन सिंह ते होर पतवंते भी हाजिर रहे हन। इन्हीं के एक बड़े लीडर ने, मैं नाम नहीं लेता, कहा था, टीवी चैनलों में भी कहा था और अखबारों में भी बयान दिए थे कि ये जो हॉस्पिटल, क्योंकि उसको 1 साल हो गया है, 1 साल पहले उसने कहा था कि अगर ये हॉस्पिटल नहीं खुलने की जिम्मेवारी सीधी अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर बादल के ऊपर जाती है। क्या आज मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने कहा कि ये जिम्मेवारी जो है हॉस्पिटल ना खुलने की सुखबीर बादल पर जाती है, इन्हीं के लीडरों ने कहा है और आज वह वहीं पर लीडर बना हुआ है। आज तक आप हॉस्पिटल में जाते हो, चाहे GB पंत है, चाहे मैक्स है, चाहे आपका ऑल इंडिया मेडिकल है, चाहे ट्रामा सेंटर है, कभी आपने देखा कि फ्रंट में जहां से गेट से घुसते हैं वहां पर कहीं डायलिसिस की मशीनें लगी देखी हैं? आप बताओ मेरे को। हैरानगी की बात है कि इन्होंने जहां से गेट की एंट्री है वहीं पर डायलिसिस की मशीनों के लिए परमिशन दे दी। इसका मतलब क्या है? ये लालच है। इसका मतलब क्या है? करोड़ों की जमीन, जो करोड़ों की जमीन जो है एक NGO को दे दी जिसने वहां पर, ये तो 100 कह रहे हैं, 80 मशीनें लगाकर, वो भी डुप्लीकेट मशीनें। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो जो वो सजा मेरे से आके बहस कर सकते हैं। मैं खुली चैलेंज कर रहा हूं। 10 पॉइंट जो मैंने दिए हैं, मैं इनके प्रबंधकों को कहना चाहता हूं कि कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले, आमने सामने बैठ जाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करप्शन पे कभी भी, जब से देश आजाद हुआ है, किसी भी प्रेसिडेंटों पे FIR नहीं हुई, या बड़े बड़े प्रेसिडेंट बने, लेकिन सरना साहब भी प्रेसिडेंट, आज तक बता दो कोई चार्ज बता दो इन पे, देख के तय गया FIR हुई है कि नहीं, आपको कॉपी मिली कि नहीं। ये देश आजादी के बाद पहला काला धब्बा है, दो धब्बे हैं जो 2 FIR हुई है और वो करप्शन की हुई है। अरे आपने करप्शन ना किया होता तो SHO की औकात नहीं है, DCP की वो नहीं है कि आप पे कोई करप्शन का चार्ज ना लगाओ तो FIR हो जाए। केंद्रीय गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रेसिडेंट तरविंदर सिंह मारवा जी ने आपके सामने जो हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया कि किस तरह इतने बड़े समुन्दर जो एक हॉस्पिटल बनना था जिसमें दुनिया भर की बीमारियों का इलाज होना था और उसे एक सिर्फ छोटे से डायलिसिस सेंटर में तब्दील करके रख दिया, उसके विषय में बड़ी विस्तार से वो जानकारियां दी जो अपने आप में कई महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए संगत के लिए। मैं इनके साथ सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, ये जो डायलिसिस सेंटर इलेक्शन का शगुफा, इन्होंने बोला कि इलेक्शन स्टंट है, तो ये तो इस बात से तय हो जाता है कि आप सारे लोग इस बात को समझ लें कि दिल्ली में 46 वार्ड है,
40 बार कोई चंद्र विहार में है, कोई निहाल विहार में है, कोई तिलक नगर में है, दिल्ली के अलग अलग कोने हैं, कोई आजादपुर में है। जो इंसान 50 किलोमीटर से कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन करके वहां पर डायलिसिस कराने के लिए आएगा, पहले 1000 रुपए तो कम से कम दिल्ली की 40 किलोमीटर से उसके आने जाने का खर्चा लग जाएगा, तो 1000 रुपए वो खर्च करके क्या वो 600 रुपए का डायलिसिस कराने आएगा? मैं इन्हीं के मेंबर से पूछना चाहता हूं कि चंद्र विहार का मेंबर अपने इलाके की संगत को ये इस हॉस्पिटल का बेनिफिट दिलवा पाएगा क्या? उसके लिए वो क्या सुविधा उपलब्ध करेगा कि वो 600 रुपए में जो डायलिसिस कहीं भी रजौरी गार्डन या जो बड़ी बड़ी सिंह सभाएं हैं वहां पर हो जाती है, वहां पे वो ना करा के 1000 रुपए किराया भी खर्चे, उसके बाद वो 600 रुपए का आगे डायलिसिस भी कराए और 4 घंटे वो पेशेंट परेशान भी हो, आने जाने का सफर भी करे। ये छोटी सी समझने की बातें हैं। इनके 46 में से मैं गारंटी देता हूं कि 40 मेंबर उस डायलिसिस सेंटर का अपने इलाके की संगत को एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं दिलवा पाएंगे। तो सिर्फ 100 बेड का डायलिसिस सेंटर बनाना, इतने बड़े बाला साहब हॉस्पिटल का जो सपना, और इनके मेंबर्स के वो आप स्लोगन देख लो, डायलिसिस हॉस्पिटल। बाकी कभी हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल बनता है? बाला साहब एक हॉस्पिटल बनना था, हॉस्पिटल में डायलिसिस का कभी हॉस्पिटल होता है? डायलिसिस का एक छोटा सा सेंटर तो हो सकता है, हॉस्पिटल भी होता है। तो ये वो अति गंभीर बातें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन उठता है कि ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का स्टंट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिरसा जी का एक जिंदगी का शगुफा है कि हमेशा हवा में रहो। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि कोई भी जो चीज हवा में उड़ती है ना, अंत उसको जमीन पर आना ही पड़ता है। और किसी दार्शनिक ने कहा था कि उड़ो, रोज उड़ो, जितना मर्जी ऊपर उड़ो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उतर कर नीचे ही आना है। तो मैं सिरसा जी को भी आज कहता हूं कि वक्त आ गया है, नीचे उतरना ही पड़ेगा, चिंता मत करो, संगत इस बात का फैसला करेगी। जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।